और अब बात करते हैं मथुरा की। दरअसल मथुरा आने वाले लोगों पर बंदरों के हमले के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, ब्रजभूमि में बंदरों की बढ़ती तादाद और उनकी सुरक्षा पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने आवाज उठाई। देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो बंदरों से सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ अगर आपका ध्यान भटका तो बंदर आप पर हमला तक कर देंगे। मथुरा, वृंदावन और गोकुल में बंदरों के अटैक करने के रोजाना तमाम मामले सामने आ रहे हैं। ब्रजभूमि में आने वाले श्रद्धालुओं को बंदरों के आतंक का सामना करना पड़ता है। मथुरा में बंदर अचानक लोगों पर झपटते हैं और फिर सामान लेकर 9-11 हो जाते हैं। कई बार बंदरों के हमले में लोगों को गंभीर चोटों का सामना भी करना पड़ा है। मथुरा में बंदरों के हमले और उनकी सुरक्षा पर अब वहाँ बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने आवाज बुलंद की है। बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसको स्टेरलाइज करने की सोचते हैं तो स्टेरलाइज किया हुआ जितना भी बंदर है वो बहुत ही वाइल्ड हो जाते हैं और सब लोगों को अटैक करते हैं, लोगों को जानलेवा हमला करते हैं, जिसकी वजह से कई लोग मर चुके हैं वृंदावन में। ऐसी हालत है, इट्स वेरी बैड शेप। हालांकि बीजेपी सांसद ने बंदरों के हमले से लोगों की सुरक्षा के साथ ही बंदरों की सुरक्षा की बात भी उठाई है। उन्होंने सरकार से मंकी सफारी बनाने की मांग की है, जिसमें बंदरों के रहने खाने का पूरा इंतजाम हो। बंदरों को भी हिफाजत से रखना चाहिए, इसके लिए मैंने मांग की है एक मंकी सफारी बनाओ। उसके विषय में सोच रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत जरूरी होना चाहिए। और जितने भी जंगल हैं हमारे देश में, उसमें अच्छी तरह से फ्रूट बैरिंग ट्रीज होना चाहिए। आप देखिए जो भी जंगल है उसमें बबुल का होता है, कांटा वाला, उधर बंदर कैसे रहेगा? सो यू हैव टू रियली प्लांट दिस काइंड ऑफ ट्रीज इनसाइड इन द फॉरेस्ट। ये सच है कि मथुरा में तेजी से बंदरों की तादाद बढ़ी है। कुछ लोग यहाँ बंदरों की ज्यादा मौजूदगी को धार्मिक एंगल से देखते हैं, जिसकी वजह से प्रशासन भी सख्त एक्शन लेने से बचता रहा है। इससे पहले भी ये मुद्दा उठाया गया था और तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंदरों को भगवान हनुमान का रूप बताकर उनकी सेवा करने की बात कही थी। हालांकि जानकारों का मानना है कि तेजी से खत्म हो रहे जंगलों की वजह से बंदर रिहायशी इलाकों की तरफ पलायन कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।